बिजली का तार है, तो तोता बैठ गया, तो तोता पक्षी सब बैठ के आराम से झूलते रहते हैं। देखिएगा बिजली मिस्त्री आता है और उसके बाद छू लेगा तो उसके शरीर में क्या आ जाएगा, एसी करंट। दूसरे पता हमको मत छूना, रीजन कोई बिजली का तार है या इस पे मान के चलिए कोनो तोता बैठ गया, ये तो तोता हरा बनाना चाहिए था ना, पैरवा गए वो क्या इसका, ये तोता बैठ गया इसके ऊपर, समझ में गया सुगा। आप बताइए ये करंट है, इसके पे कई तार है सब, ये नीला वाला जितना है ये फेज है, नीला वाला जितना है फेज। आप गौर कीजिएगा ना तो वह एक के तारवा पे बैठते हैं सब, तो फेज पे अगर बैठ गया तो करंट किस में घुस गया, तोता में, अब वापस निकल गया, कहा कि तोता में से जाने का रास्ता ही नहीं है, तोता में से जाने का रास्ता नहीं है, तो तोता पक्षी सब बैठ के आराम से झूलते रहते हैं। और कभी कभी बैलन का पोछिया न्यूट्रलवा से सट जाता है, कतार रास्ता मिल गया, धान दे मारेगा तोता उदिया जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक बात बताइए, अगर हम किसी करंट को ऐसे पकड़ ले, हम ऐसे करंट को पकड़ ले तो मेरे शरीर में भी क्या चलाएगा, फेज। इसको जाने का रास्ता अगर नहीं मिला तो करंट मारेगा ना, जाने का रास्ता नहीं मिला तो नहीं, चोर भी घर में घुस जाता है ना तो पहले चोरी करने से पूछता है निकलने का रास्ता है कि नहीं, अगर निकलने का रास्ता नहीं होगा ना तो कहेगा गलती से आ गए, क्यों पता है घेरा जाएंगे यहाँ पे। तो एसी करंट को किस चीज का चाहिए, निकलने का रास्ता, किसका रास्ता, अगर हम पकड़ लिए एसी करंट, ऐसे क्या पकड़ लिए, एसी करंट हमारे शरीर में आ गया, एसी करंट अगर हमको निकलने का रास्ता दे दिए, इसको हमारा बजा देगा बढ़िया से। इसलिए देखिएगा बिजली मिस्त्री आता है तो पहले चप्पल उत्पल उतारता है इसे, और फिर इस पे चप्पल पे खड़ा हो जाता है, देखें चप्पल पे क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, या सूखा चीज पे खड़ा होगा, लकड़ी उकड़ी पे क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद छू लेगा तो उसके शरीर में क्या आ जाएगा, एसी करंट, निकलने का। दूसरे को हमको मत छूना, रीजन आप जमीन पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, जमीन, और जमीन अच्छा से रास्ता दे देता है किसी को जाने के लिए, आप जमीन पे खड़े हैं, आप वो बिजली मिस्त्रिया को पकड़ेंगे ना तो ले, बिजली मिस्त्री में था करंट, आप उसको पकड़ के रास्ता दे दिए जाने का, मारेगा पहले बिजली मिस्त्री को और फिर कहेगा बबुआ रास्ता दिए थे हमको, आइए आपको भी झनका देते हैं, झनक दे मार देगा उनको। तो करंट को किस चीज़ का जरूरत है, रास्ता निकलने का। तो बताइए वापस लौटने वाले को क्या कहेंगे, हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वापस लौटने वाले को न्यूट्रल कहते हैं, आने वाले को फेज। फेज और न्यूट्रल किस में होता है, एसी में, वही काम प्लस माइनस किस में होता है, डीसी में होता है। जब तक रास्ता नहीं देंगे मारने का, मारेगा नहीं मार सकता, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको, फेज और न्यूट्रल क्या होता है, वायरिंग वगैरह घर में कैसे होता है, फेज और न्यूट्रल में होता है।